मुझे जो करंट लगाता है वो 3 से 4 सेकंड के लिए लगाता है, और 3 से 4 सेकंड के लिए मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं करा पा रहा था, लेकिन मेरा जो दिमाग है वो पूरी तरह से वर्क कर रहा था जैसे अभी नॉर्मल तरीके से वर्क करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल केबी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब भी हमें कभी भी करंट लगता है, जब भी हम किस करंट के संपर्क में आते हैं, तो हमारी जो बॉडी है उसकी क्या स्थिति होती है, क्या जो हमारी बॉडी है वो कुछ काम कर सकती है, क्या हम बॉडी को मूव करा सकते हैं जब हम करंट के संपर्क में हैं, या जो हमारा दिमाग है उसमें क्या हलचल होती है, क्या हम सोच पाते हैं कि हमें करंट लगा हुआ है, और उसमें हम सोच सकते हैं कि हम इससे दूर कैसे हों, करंट से हम दूर कैसे हो सकते हैं। ये सब चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, और इस वीडियो में मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। तो मुझे दोनों प्रकार से यहां पर करंट का अनुभव है। जैसे एक बार तो ऐसा होता है कि जब भी हम अचानक से कुछ एक ही मिली सेकेंड के लिए उसके संपर्क में आते हैं तो एक हमें झटका लगता है, तो उस झटके में हमारी क्या स्थिति होती है। और लेकिन जब हमारा जो करंट है वो कुछ 3 या 4 सेकंड के लिए आपकी बॉडी से कनेक्ट रहे, तब आपकी बॉडी की क्या हलचल होती है, क्या स्थिति होती है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो कई दोस्तों को एक जो शॉक लगता है, एक झटका लगता है, उसका तो कई दोस्तों को अनुभव होगा कि करंट का झटका है वो कैसे लगता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी तरह से करंट के संपर्क में आते हैं तो आपको एक झटका लगता है और आप वहाँ से निकल जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि हमारे साथ क्या हुआ है, एक बहुत तेज़ झटका आपको लगता है। लेकिन जब आपकी जो स्थिति होती है, कई दोस्तों को अभी तक ये पता नहीं हुआ कि करंट कैसे लगता है, किसी को भी अनुभव नहीं हुआ, तो सब चीज़ें आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलने वाली हैं, जिससे कि आप जो अब भी लाइट का काम कर रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी वर्क करते हैं या सीखना चाहते हैं, तो आप उसको इस स्थिति से समझें कि जिससे आपके साथ कभी भी ऐसा ना हो कि आपको करंट का शौक लगे, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होता है और इसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज पहली बात करें कि जब हमें एक शॉक लगता है, एक अचानक से एक पॉइंट लगेगा, एक झटका लगेगा और उससे हम बॉडी हमारी अलग हो जाती है करंट के संपर्क से, तब क्या स्थिति होती है। तो दोस्तों जब भी देखिए, अगर करंट लगता कैसे है पहले हम आपको बता दें, अगर हमारी जो बॉडी है जो फेस वायर होता है उसके संपर्क में आ जाए और दूसरी स्थिति उसके संपर्क में हो, और एक पॉइंट या तो हमारा जो अर्थ है हम उससे कनेक्ट हों, कोई भी दीवार हुआ या कोई भी रॉड पाइप वगैरह कुछ भी हुआ जो कि हमारा जो उसके ज़मीन के संपर्क में हो, या हमारे जो पैर हैं वो उसमें हमने कुछ पहन नहीं रखा है, डायरेक्ट हम ज़मीन पर नंगे पैर खड़े हुए हैं, तब हमें ये करंट लगता है। या करंट लगता है हमारा जब जैसे हमने फेस वायर से भी कनेक्ट हो गए, या न्यूट्रल वायर से भी कनेक्ट हो गए साथ में, या हमारा जो अर्थ वायर होता है उससे कनेक्ट हो गए, तो इस स्थिति में हमें वहाँ पर करंट लगता है। अगर हम ज़मीन से आइसोलेट हैं तब हमें करंट नहीं लगेगा। तो जैसे हमने फेस को टच किया और हमारा कोई भी बॉडी पार्ट है वो फेस को टच करने के बाद भी या तो ज़मीन में टच है या हमारा न्यूट्रल या अर्थ से टच है, तब हमें वो शॉक लगता है। तो वो शॉक कैसा लगता है, जैसे ही हमारी बॉडी है वो वहाँ पर टच होगी तो वहाँ से क्या है, जो हमारा नीचे से हमें ग्राउंड मिलेगा, अर्थ मिलेगा, तो उससे क्या होगा, हमें एक झटका लगेगा और जो बॉडी है वो अचानक से एक झटका लगता है, क्योंकि जो हमारा करंट होता है वो फ्रिक्वेंसी से चलता है, तो वो जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज़ होती है। तो क्या होता है, वो एक झटका जब हमारा पॉजिटिव रहता है, फ्रिक्वेंसी जब पॉजिटिव कंडीशन में होती है, तब हमें वो शॉक लगेगा और कुछ और वो एक मिली सेकेंड और उससे भी कम में वो हमें छोड़ देता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, आपको एक ही शॉक लग पाता है और उस स्थिति में आपको कुछ भी पता नहीं चलता, ना आपका दिमाग, आप इतने टाइम में कुछ सोच पाएंगे, कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा, आपकी जो पूरी बॉडी है वो एक झटके से पूरा सुन्न पड़ जाती है और आप निकल जाते हैं, तब आपको पता लगता है, अनुभव होता है कि हमें करंट लगा है। लेकिन अगर ये जो करंट है वो आपकी बॉडी से 2 या 3 या 4 सेकंड के लिए भी या इससे ज़्यादा के लिए आपकी बॉडी से गुजरे, तब क्या कंडीशन होती है। तो ये भी मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे को भी इस बार ऐसा भी करंट लगा हुआ है कि जिससे मैं 3 या 4 सेकंड के लिए लाइन से कनेक्ट रहा हूँ। तो आपने देखा होगा एक वीडियो मैंने डाला था, वो मैं नाइट में काम कर रहा था 12-1 बजे के करीब, तो उस टाइम पर मैं क्या कर रहा था, जब काम कंप्लीट हो गया उसके बाद जो सीरीज बोर्ड होता है उसके जो हम सीरीज टेस्ट करते हैं, तो जो दो वायर होते हैं वो
मैंने क्या किया, स्विच से तो बंद कर दिया, लेकिन क्या हुआ वहाँ पर न्यूट्रल कंट्रोल था, फेस कंट्रोल नहीं था, तो इस कारण से वहाँ पर फेस कट नहीं हुआ। उसके बाद मैं क्या कर रहा, बोर्ड में वो वायर है उसको ऐसे इकट्ठा कर रहा था रखने के लिए, तभी क्या हुआ जो वायर था, जो फेस था, वो मेरे यहाँ पर हाथ पर टच हुआ और मैं जो फर्श था, मैं बिना चप्पल पहने वहाँ पर नीचे खड़ा हुआ था, तो उससे क्या हुआ जैसे ही वो वहाँ पर टच हुआ तो मैं पूरी तरह से अर्थ के संपर्क में था, तो जो शॉक है मुझे वो एकदम बाहर है, वो शॉक लगना शुरू हुआ तो 3-4 सेकंड के लिए लगा। तो उसमें क्या स्थिति हुई कि जैसे ही यहाँ पर मैं टच हुआ और मैं ज़मीन से टच हो रहा था, तो उस टाइम पर क्या हो रहा था, यहाँ पर मेरा जैसे करंट लगा है इस स्थिति में था, मेरा हाथ इतना ऊपर होगा, तो जब यहाँ पर करंट लगा तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर बहुत ज़ोर से कुछ भी ऐसे चल रहा हो, कोई भी मुझे मार रहा हो इस कंडीशन में, और साथ में जो हम मेरे पैर हैं वहाँ पर भी इतना ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पर मैं बहुत जल्दी जल्दी इस प्रकार से ऊपर नीचे हो रहा हूँ, जितना बहुत इतने जल्दी जल्दी महसूस होता है कि आप बहुत स्पीड में जैसे 50 सेकंड में 50 बार आप इस प्रकार से हुए हों, या आप में कोई इस प्रकार से बहुत ज़ोर से यहाँ पर मार रहा हो, तो इससे ऐसा वहाँ पर कंडीशन थी। और मेरा जो दिमाग था वो पूरी तरह से सोच पा रहा था कि मुझे करंट लगा है, और मैं लेकिन अपनी जो बॉडी है उसको मूव नहीं करा पा रहा था क्योंकि दिमाग में पूरी तरह से चल रहा था। तो मैंने उस टाइम पर यह भी सोच लिया कि शायद अब मेरे को ऐसा करंट लगा है कि अब मैं उसमें बच भी नहीं पाऊँ, ये मैं सब चीज़ें दिमाग मेरा अच्छे से वर्क कर रहा था, मैं पूरी तरह से सोच पा रहा था, लेकिन जो मेरी बॉडी है मैं उसको मूव नहीं करा पा रहा था। तो इस प्रकार से आपको करंट लगता है। तो अचानक से फिर क्या हुआ, वहाँ पर जब मैं वर्क कर रहा था वहाँ पर मैं कुछ बिस्तर लगा के रखता था, उस पर बैठ के वहाँ पर वीडियो शूट करता था, बनाता था, तो मुझे उस कंडीशन में पता नहीं है कि कब मेरा पैर है वो उस बगल में ही था, वहाँ पर बिस्तर उसके नीचे ही आ गया था, तब मुझे करंट लगा, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कब किस कंडीशन में मेरा पैर है उस बिस्तर के ऊपर पहुँच गया है। और जैसे ही वहाँ पर बिस्तर के ऊपर मेरा पैर पहुँचा तो जो करंट है वो मेरे शरीर से गुजरना बंद हो गया, तो उसके बाद मैं उससे संपर्क से दूर हुआ। तब उसके बाद जो मेरी बॉडी थी वो पूरी तरह से ऐसे मूव करने लगी थी, एक डर सा हो गया था क्योंकि पूरा मेरा कपन जो होती है वो होने लगी थी मेरे शरीर में जब करंट लगने के बाद, और यहाँ पर और मेरे जो पैरों पर अलग महसूस हो रहा था कि अभी भी मुझे कोई वहाँ पर मार रहा है, और यहाँ पर कुछ निशान भी बन गए थे जहाँ पर मेरा करंट जो वायर है वो टच हुआ था। तो इस प्रकार से इसकी कंडीशन होती है कि जो हमारी बॉडी है हम उसको मूव नहीं करा पाते हैं जब हमें करंट लगता है, इसीलिए कोई वहाँ से बच नहीं पाता है, अगर करंट के संपर्क में अच्छे से आ जाता है तो वो उसमें बच नहीं पाता है, लेकिन जो दिमाग है वो वर्क करता है। तो वो कैसे वर्क करता है, तो देखिए जैसे हमने जो हाथ हमारा इतने ऊपर है और यहाँ पर हमें करंट लगा, तो जब यहाँ पर हमें करंट लगेगा तो जो हमारा करंट है वो इधर से गुजरेगा और यहाँ से बॉडी से हमारा नीचे की साइड जाएगा, ज़मीन की साइड जाएगा, जो करंट है हमारा ऊपर नहीं जाएगा बॉडी के। तो जो क्या है दिमाग है वो हमारा पूरी तरह से वर्क करता रहता है, और जो हमारा जब तक दिमाग काम करेगा जब तक यहाँ से हमारा जो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन है वो ऊपर तक बंद ना हो जाए, और जब हमारा जो हार्ट के पास जो ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, हार्ट बंद हो जाता है, उस कंडीशन में आपकी मौत हो जाती है और आपका जो दिमाग है वो भी बंद काम करना बंद कर देता है। लेकिन जब तक आप जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बराबर चल रहा है तब तक आपका दिमाग है वो बराबर काम करेगा। तो ऐसा ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब उससे ज़्यादा करंट लगने में क्या कंडीशन होती है इसका मुझे नहीं पता है, मुझे जो करंट लगाता है वो 3-4 सेकंड के लिए लगाता और 3-4 सेकंड के लिए मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं करा पा रहा था, लेकिन मेरा जो दिमाग है वो पूरी तरह से वर्क कर रहा था जैसे अभी नॉर्मल तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों इस प्रकार की कंडीशन होती है करंट को लगने की। तो जब भी आप लोग काम करें करंट से, इस प्रकार से काम ना करें जिस प्रकार से मैं उस टाइम पर कर रहा था, आप जब भी इलेक्ट्रिकल का काम करें तो या तो आप चप्पल या जूते जो भी हैं वो जिसमें इंसुलेशन ज़्यादा हो उस प्रकार की यूज़ करें जिससे आपको करंट ना लगे। और अगर आप लाइन चालू लाइन में काम करते हैं तो ये चीज़ याद रखें, आपका जो बॉडी पार्ट है वो ज़मीन से या किसी न्यूट्रल वायर से या अर्थ से टच ना हो। आप जब लाइन से काम करते हैं अगर आप अपने आप को इंसुलेट करके रखेंगे तो आप चालू लाइन में भी काम कर सकते हैं, आपको करंट नहीं लगेगा। तो ऐसा एक जो एक झटका होता है वो तो हमें कई बार लगा, लेकिन जो इतने टाइम तक जो करंट है वो लगा रहे ये पहली बार हुआ था।
तो आपको भी इस प्रकार की गलती नहीं करना है जो मैंने की थी, लेकिन अब भी मैं ऐसी गलती नहीं करता हूँ क्योंकि वो जो करंट का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही खतरनाक था। उसमें ही मैं ये सोच लिया था कि मैं अब इसमें करंट से बचूंगा नहीं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अगर आप इसी प्रकार की आगे भी वीडियो देखते रहना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल या सोलर प्लांट की वीडियो आप देखते रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम यहाँ पर सोलर प्लांट से रिलेटेड और इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं जो आपको बहुत काम आ सकती हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की किसी और वीडियो में।